तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ नेशनल जू पार्क, जो दिल्ली में पड़ता है, और यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करने वाले हम अभी। तो अभी चलते हो और पूरा मतलब यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो और इजीली किसके थ्रू आ सकते हो सब बताने वाला हूँ मैं। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपका पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से अराउंड 1.3 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से वॉकिंग के थ्रू भी आप आ सकते हो। तो चलते हो और टिकट काउंटर पर चलते हो और टिकट प्राइस पता करते हो। तो चलिए लेट्स गो। तो गाइज अभी मैं टिकट एरिया में आ चुका हूँ, इधर देख सकते हो, और इधर ऑफलाइन टिकट अभी क्लोज है, ऑफलाइन नहीं ले सकते आप। और ऑनलाइन लेने के लिए ये सामने आपको साइड दिख जाएगा, ये देख सकते हो नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ये साइड ओपन करोगे आप, यहाँ पे इजीली मतलब बताया गया है कैसे कैसे आप टिकट बुक कर सकते हो, ये देखिए। तो गाइज यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ क्या प्राइस पड़ेगा। तो अभी चलते हैं, ये देख सकते हो, तभी मैं प्राइस शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर अंदर एंट्री करेंगे। तो गाइज़ यहाँ का जो प्राइस लेने वाला है एडल्ट का है 80 रुपये पर पर्सन, ये देखिए, और चिल्ड्रेन का भी है 40 रुपये, और यहाँ पे सीनियर सिटीजन का है 40 रुपये, और पता नहीं और कुछ नहीं है। तो आप चलते अंदर और टिकट का कुछ ये प्राइस रहने वाला है, तो यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं, चलिए। तो गाइज़ अंदर जाने के लिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर लाइन लगता है, यहाँ से अंदर जाओगे आप, और अगर आप बैग वैग लेकर आ रहे हो तो यहाँ आप जमा कर सकते हो, 5 रुपये लगता है। तो चलते अभी अंदर और यहाँ से एंट्री होगी अपनी। तो गाइज यहाँ पे टिकट प्रोसेस हो चुका है और हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री अपने जू के लिए तो चल रहे हैं, और यहाँ पे चेकिंग होगी अभी, तो चलिए। तो गाइज फाइनली हमारी अंदर एंट्री हो चुकी है, और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉगर भाई लोग आए हुए हैं, हेलो बोल दो सब। हेलो। तो गाइज चलते हैं और पूरा एक्सप्लोर करते हैं जू को, तो चलिए अंदर तो घुस चुके हैं हम। तो गाइज अभी आप देख सकते हो हम अंदर आ चुके हैं और अभी आगे जा रहे हैं, और देख लो कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर का। तो अभी हमें कुछ दिखा नहीं है, अभी जैसे ही बर्ड्स दिखेंगी कुछ भी दिखेगा फर्स्ट तो आपको अभी दिखाएंगे, और पूरा करने वाले हैं एक्सप्लोर इसे, तो चल रहे हैं अभी आगे। तो गाइज अभी पहला हमें जो बर्ड दिखा है वो काला हंस है, ब्लैक स्वान। तो अभी देख सकते हो ये अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर है अभी आगे, ये देखिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, तो चलते अभी आगे, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा दिखता है, एक बार पास से देख लो आप। तो चलिए आगे चल रहा है। तो गाइज अगर आपको लगता है कि आप पैदल नहीं चल सकते पूरे जू में, तो यहाँ पे आप 70 रुपये की ये सवारी के लिए बुकिंग करा सकते हो, यहाँ पे 70 रुपये पर पर्सन के लिए यहाँ से टिकट मिल जाएगा, और आप इजीली इसके थ्रू पूरा घूम सकते हो जू, ये देखिए कुछ ऐसा रहने वाला है ये। तो चलते आगे। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं, नीलगाय की, ककड़ हिरन की, चीतल की, मतलब बहुत 5 बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देख सकते हो आप सामने, जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ मैं, ये देखिए सब यहाँ पे, ये देखिए पेड़ों के नीचे छाँव में खड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप है इसलिए ज़्यादा निकले नहीं है लोग बाहर, ये देखिए कितने शांति से खड़े हैं। तो चलते अभी आगे। तो चलिए। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी सारे डग से देख सकते हो, अभी वो पानी में नहीं है, अभी फुल पेड़ के नीचे छाँव में बैठे हुए हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा ही है, बारिश हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है दिल्ली में। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा नज़ारा है, और वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, आप देख लो, ये देखिए। तो गाइज़ चलते अभी आगे। तो गाइज़ यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, अभी आगे हमको ये जानवर देखने को मिलने वाले हैं इस साइड, तो अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था कर रखा है, और पानी वानी के लिए भी कर रखा है, वहाँ देख सकते हो पानी पीने के लिए भी है। तो अभी आगे चल रहे हैं। तो गाइज़ अभी आपको दिखाने वाले हैं शेर पूछ बंदर, देख सकते हो पहली बार ये नाम सुना है, घूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। हेलो बोलो, ये देखिए गाइज़ देख रहा है, इधर नहीं देख रहा है, हेलो। गाइज चलते आगे, देख नहीं रहा है। तो गाइज अभी यहाँ पे आपको पांडा, हिरन, हॉक डियर मिलेगा देखने को, देखो सब दौड़ रहे हैं, काफी सारे हैं, सब उस साइड चले गए, उन्हें देखो उस साइड जाके खड़े हो गए सब, इधर भी है ये देखिए, और ये मेंटेनेंस वाले जो अंदर इन्हें देखते हैं और खाना वाना देते हैं। तो आप लोग गलती से अंदर मत जाना, जा भी नहीं सकते, यहाँ पे काफी रेलिंग लगी हुई है, सुरक्षा है। तो चलते अभी आगे, ये देखिए। तो गाइज अभी हम कृष्णा मुर्गा दिखाने वाले हैं, ब्लैक बग यहाँ पे काफी सारे हैं, ये देखिए, यहाँ पे ट्रेन का भी आवाज़ आ रहा है, क्योंकि साइड में रेलवे स्टेशन है पीछे की साइड, और ये देख सकते हो काफ़ी सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, सब अभी फुल नीचे पेड़ के छाव खा रहे हैं, और जो भी है इन पे खाना वाना खा रहे हैं,
और इनका एक बार वो देखो यार, कितने बड़े बड़े हैं ये, सिंह शायद बोलते हैं, देख रहे हो। तो गाइज चलते हैं आगे। तो गाइज अभी आपको भारतीय गेंडा दिखाने वाले हैं, हमारा इंडिया का गेंडा है। और यहाँ पे सामने देख सकते हो आप, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दो हैं यहाँ पे, काफी बड़े बड़े हैं। यहाँ पे अभी दो ही दिख रहे हैं, ये देखिए। तो गाइज ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं, मुझे तो लग रहा है इंसान को ही अंदर ले लेगा। तो चलते गाइज आगे। तो गाइज अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ बर्ड्स एरिया में। यहाँ पे नीला पीला मकाओ देखने वाले हैं अभी। तो ये देख सकते हो शीशा लगा हुआ है और आपको दिख भी रहा होगा शायद यहाँ पे एक, वो देखिए दो दो बैठे हैं ऊपर, एक नीचे भी बैठा है। काफी कलर वाले बर्ड्स हैं, इनका नीला पीला मकाऊ नाम है। ये देखिए एक ओरा इधर भी है, ये देखिए तीन तीन बैठे हैं एक साथ, देख रहे हो। तो गाइज इधर सब बर्ड्स ही है, ये देखिए लिखा भी है नीला पीला मकाओ। तो ये तीनों उन्हीं का एरिया है, यहाँ पे भी दो बैठे हुए हैं ये देखिए। तो गाइज काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हर एनिमल बर्ड्स हर तरीके के जानवर देखने को मिलने वाले अपने को। तो अभी चलते आगे। यहाँ पे पैरेट का है, मिलिट्री मकाओ, मिलिट्री कहाँ है, किस साइड बैठा है तो अभी दिख नहीं रहा, चलते हैं आगे। इधर पूरा बर्ड्स का ही है, ये देखिए तोता है, वो बैठे दोनों, ये रहे। तो गाइज एक और हमें बर्ड दिखा है यहाँ पे, सिल्वर फेजेंट, ये देख सकते हो तीन तीन है यहाँ पे, काफी अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए मुर्गी की तरह ही लग रहे हैं ये, तो इनके चोच वैसे ही हैं, तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। और चलते हैं अब इस एरिया से, निकलते हैं बर्ड्स वाले एरिया से। तो गाइज यहाँ पे आपको छोटे छोटे बर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं, ये देखिए जेब्रा फिंच, ये देख सकते हो छोटे छोटे पेड़ लगा रखे हैं और काफ़ी छोटे छोटे बर्ड्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये देखिए कितने छोटे छोटे हैं। और इस एरिया में आपको सब छोटे बर्ड्स ही मिलने वाले देखने के लिए। अभी इधर दिखाता हूँ आपको, अलग अलग कलर वाले भी हैं इस साइड, देखिए यहाँ पर आप पढ़ लो बेजरिंगर्स, ये देखिए ऊपर बैठे हुए हैं छोटे छोटे, ये देखिए नीचे भी कुछ उतरे हुए हैं, ये देखिए। तो आगे चलते हैं अभी और देखते हैं, इनके लिए छोटे छोटे घर बना रखे हैं वो देखिए ऊपर की साइड, और काफ़ी बर्ड्स हैं यहाँ पे। एक बड़ा सा है काला मुर्गा, ये रहा, ये देखिए गाइस काला मुर्गा। तो गाइस इधर सब बर्ड्स वाला ही जोन है, इस साइड भी देख लेते हैं। ये देखिए गाइस कोका टाइल्स, कोका टाइल्स है ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखे पेड़ पे बैठे हुए हैं। चल चलते हैं अब आगे। तो गाइज अभी हम आपको दरियाए घोड़ा दिखा रहे हैं, हिप्पोपोटामस, ये देख सकते हो, क्लोज नहीं जा सकते बट यहाँ से देख सकते हो आप पानी में दोनों कितने अच्छे से और शांति से सो रहे हैं लग रहा है, ये देखिए। तो गाइज चलते आगे। तो गाइज काफी इंतजार के बाद अभी आपको सफेद बाघ दिखाने वाले, व्हाइट टाइगर इस साइड। तो अभी चल रहा है इस साइड। तो गाइज यहाँ पे एशिया टाइगर देखने को मिलेगा, अभी इधर काम चल रहा है तो अभी यहाँ जा नहीं सकते बट यहाँ से देखो, ये देखो बैठा है, ये देखिए सामने, हाँ गाइज देख रहे हो वहाँ पे बैठा हुआ है, ये देखो। तो गाइज ये मगरमच्छ का एरिया है और यहाँ पे एक दिख गया है हमें, वो सो रहा है, ये देखो ये देखो। तो गाइज अभी आंखें देखो कैसे देख रहा है वो, देख रहे हो कितना बड़ा है। तो गाइज अभी तो एक ही दिखा है, बाकी अंदर भी होगा, ये देख रहे हो, ये देखो। तो गाइज भारतीय हाथी, हमारे इंडिया की हाथी देखने को मिलने वाले इस एरिया में, और यहाँ काम भी चल रहा है। और ये देखिए एक हाथी आपको दिख रही होगी और एक वहाँ पे अंदर है, वो देखिए अंदर, और यहाँ पे ये रही एक। तो गाइज देख रहे हो ये डांस कर रही है, ये डांस कर रही है भाई, ओए। तो गाइस देख रहे हो डांस कर रही है, मुझे लग रहा है, ये देखो ये आजा आजा, ओए ओए ओए। तो गाइस लग रहा है इसे खुजली उजली हो रही है, देख रहे हो, और एक वहां अंदर भी है, और देख रहे हो कितने बंदे आ गए, ये देखो ये देखो ये, थोड़ा आगे आजा आजा यार आजा आजा। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉगर भाई हैं, देख रहे हो मेरे पीछे जितने दिख रहे हैं, और एक वो आगे भी है,
तो गाइज हाँ सब हैं इधर जितने दिख रहे हैं। तो गाइज अभी चलते आगे, काफी मजा आ रहा है। तो गाइज टाइगर जॉन है अपना, ये देखिए, और वो पेड़ के पास है, दिख नहीं रहा होगा, काफी ज्यादा दूर है। ये देखिए, ये देखिए, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो आ रहा है, देख रहे हो, ध्यान से देखो। तो गाइज देख रहे हो कैसे चल रहा है। आजा आगे आजा यार, थोड़ा यहाँ तक आजा। तो गाइज आ रहा है, इधर ही आ रहा है, ये देखो कैसे चल रहा है। ओ तो गाइज यहाँ पे आ चुका है, इतना पास में, इससे ज़्यादा पास नहीं आने वाला मुझे लग रहा है। देख रहे हो कैसे देख रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर भी आ रहा है। आजा यार थोड़ा और आगे आजा, यहाँ पे जगुआर मिलने वाला है। ये देखिए ये बैठा, ये सामने देख रहे हो, ये देखो। तो गाइस शुतुरमुर्ग दिखा रहे हैं अभी आपको, यहाँ पे दो दो हैं, ये देख रहे हो, ये देखिए, एक तो वहाँ पे छाव में खड़ा है और एक वहाँ खुले में खड़ा है, ये देखिए, ये देख रहे हो। चलते आगे, अब क्लोज ही होने वाला है। तो गाइस अब सब लोग बाहर जा रहे हैं, टाइमिंग हो चुका है एग्जिट का, सब क्लोज हो चुका है, देख रहे हो, अब सब बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें रहेगी जो हम दिखा नहीं पाए आप लोगों को, इधर तेंदुआ वंदुआ काफ़ी चीज़ें थी यार। तो चल रहे हैं बाहर। तो गाइस यहाँ पे दो भाई मिले हुए हैं, तो भाई लोगों से थोड़ा मैं रिव्यू लेता हूँ इंडिया चिड़िया, अपना दिल्ली का चिड़िया घर के बारे में। तो भाई कैसा लगा? अच्छा था, मतलब पैसा वेस्ट नहीं गया ना, 80 रुपये, मज़ा आया, बहुत चीज़ें मिला ना देखने के लिए। क्या क्या मिला मेन मेन बता दो। हाँ मजा आया ना इस जू में, काफी बड़ा था, काफी बड़ा था, है? दिल्ली का सबसे बड़ा जू, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा जू यही लगा मुझे तो। आपको थक गया ना, तो देख रहे हो आप भाई लोग थक गए, तो थैंक यू भाई। गाइस पूरा मैंने जू एक्सप्लोर कर लिया है और आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगने वाली है, जितना हमने दिखाना था दिखा दिया और जू क्लोज हो चुका है। तो ऐसे ऐसे वीडियो और ऐसे ऐसे कंटेंट हम दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में लेके आते रहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पे, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है वीडियो को अच्छे से शेयर कर देना। तो भाई लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूला, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।